सन 1988 में फिल्म मेकर राकेश रोशन ने फिल्म खून भरी मांग बनाई थी, जिसमें उन्होंने रेखा, कबीर बेदी और शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में लिया था। फिल्म के शूटिंग के दौरान शत्रुघ्न और रेखा के बीच कुछ कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि रेखा और शत्रु ने कसम खा ली कि आज के बाद वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। राकेश रोशन को अभी फिल्म की शूटिंग करनी बाकी थी, फिर आपसी सहमति से रेखा और शत्रु ने ये फिल्म को पूरा करने के लिए हामी भरी, लेकिन एक शर्त पर कि शूटिंग के बाद वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और ना ही उनके सामने आएंगे। खैर, इस फिल्म के बाद दोनों कभी साथ नहीं दिखे, लेकिन शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा और रेखा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। पूनम को रेखा और शत्रुघ्न की ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और इत्तेफाक से रेखा और शत्रुघ्न एक पार्टी में नजर आए। मौका देखते ही पूनम सिन्हा ने रेखा और शत्रुघ्न दोनों को समझाने की कोशिश की और कई घंटों तक समझाने के बाद दोनों में सुलह हुई और फिर 23 साल बाद शत्रुघ्न और रेखा ने एक दूसरे से बात की और अपनी लड़ाई खत्म की।